हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 58। इसके पहले ऑलरेडी 57 सेट जो हैं वो रिवीजन के अपलोडेड हैं, साथ ही साथ वैसे भी बहुत सारे बुक्स के सेट्स अपलोडेड हैं जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए, वो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। साथ ही साथ अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी शुरू किया है मार्क्समैन बुक से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और घटना चक्र तो उसकी इंपॉर्टेंस से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अब तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी शेड्यूल्ड कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है कि दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो होगा, तो इसलिए अब आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए तो अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए यह जो वीडियो है, यह जो सेट है वो इसमें टोटली नए करंट अफेयर को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो स्कॉटलैंड के एक जीव वैज्ञानिक और औषधि निर्माता थे, और इन्होंने लिसोजाइम नामक एक एंजाइम की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो एक दीन ड्रम जो उपन्यास है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था, और ये किनकी कृति है, ये गुंटर ग्रॉस की कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी। तो कनाडा के साथ किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के साथ। कनाडा जो है वो उत्तर अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, कह रहा है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा जो है वो भारत की प्रमाणिक यमुनोत्तर रेखा है। तो यह कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच जो मानक दूरी है वो क्या रखी जाती है। तो देखिए ब्रॉड गेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यानी कि बड़ी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड गेज को, तो वो ये 1.675 या फिर कोई कोई बुक में आपको 1.676 मीटर मिल सकता है, क्लियर है। वहीं दो और लाइनों की याद रखिएगा, एक होता है मीटर गेज जिसका होता है 1 मीटर, और एक होता है नैरो गेज जिसका होता है 0.610 मीटर, क्लियर है। आगे कह रहा है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो है 57 फिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 57 फिट। और इस मूर्ति को गंगवंश के राजा राजमल और उसके सेनापति चामुंडा राय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। नेक्स्ट कह रहा है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। तो ए पैसेज टू इंडिया जो है वो ई एम फॉस्टर के द्वारा रचित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पैसेज टू इंडिया जो है वो एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कि 1920 के दशक में जो ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है उसी पर आधारित यह उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ, यह हुआ पेरिस में। यानी कि यह बात किसकी कर रहा है, COP 15 की बात कर रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा अभी रिसेंटली जो हुए हैं COP 25 जो हुआ है वो 2019 में हुआ है मैड्रिड स्पेन में। कॉप जो 2020 का होना चाहिए, मतलब ये 2019 में हुआ COP 25, 2020 का जो था वो COVID-19 के कारण कैंसिल हो गया है, ठीक है। 2021 में फिर जो हुआ वो था COP 26 जो कि UAE में हुआ, ध्यान रखिएगा।
आगे कह रहा है कि एंजली कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल जो है वो सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता, वह किस देश की निवासी हैं? तो वह किस देश की निवासी हैं? सर्बिया की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्बिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो देखिए, आप लोग पढ़े ही होंगे कि चार पैमानों में जो संबंध होता है, चार पैमाने यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन, तो वो क्या होता है, सी माइनस 0/100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/180 इज इक्वल टू आर माइनस 0/80 इज इक्वल टू के माइनस 273/100। अब इसको आप इसे बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे कह रहा है कि फिल्म पाथेर पंचाली किन के द्वारा निर्देशित थी? तो फिल्म पाथेर पंचाली जो था वो सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जो है वो पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के कारण 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। साथ ही साथ आप लोगों को 2021 का थीम याद रखना होगा और 2021 का जो योग दिवस का थीम था वो था योगा फॉर वेलबींग। क्या था? योगा फॉर वेलबींग। और वहीं जून से अनइम्पॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का एक घटक कौन नहीं है? व्यापार नीति जो है वो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो उत्तर की ओर कौन प्रवाहित है? सोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन। सोन का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से है। गंगा से जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह केरल में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में आयोजित किया गया था। केरल से ध्यान रखिएगा, केरल जो है वो सब्जियों के लिए MSP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दैमती के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है मैला आंचल, और मैला आंचल उपन्यास के लिए ही इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। साथ ही साथ फणीश्वरनाथ रेणु के कुछ अन्य भी रचनाएं याद रखिएगा, जैसे कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, जुलूस, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये सब रचना जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु की है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, बिल्कुल सही है, राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई संस्था है, यह उच्च सदन है, इसकी संरचना जो है वो अनुच्छेद 80 में है, इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, और सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो है 250, सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है वो सामवेद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद में, और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो यह कहाँ है? एशिया में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप में। यह जो है वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर।
16 अक्टूबर से ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। वहीं अगर विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2021 का जो थीम था वो था सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। क्लियर है। आगे कह रहा है कि ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थीं, तो इसकी जड़ें जो थी वो ईसाई युग की आरंभिक शताब्दियों में थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में, और कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में। अच्छा, अगर आपसे जन्म पूछ ले तो जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो सर्वाधिक निर्णायक कौन था, बक्सर की लड़ाई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। और बक्सर की लड़ाई कब, 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, और इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था, इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है निम्न में से किनकी मौत जो है वो अनशन के दौरान हो गई थी, तो अनशन के दौरान किनकी मौत हो गई थी, उनका नाम था वासुदेव बलवंत फडके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव बलवंत फडके। एक्चुअली हुआ क्या था कि काला पानी की सज़ा इनको मिली थी, और उसी सिलसिले में इन्होंने आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के, तो ये सब जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किन की उपासना थी, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य जो है वो प्रकृति की उपासना थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी से इनकम टैक्स भरने का निर्णय लिया है, तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी टीम के प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 11। देखिए हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये तीनों में 11, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल और खो खो में 9, कबड्डी में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट खेल हैं जिनके खिलाड़ियों की संख्या जो है वो आपको याद रखना होगा। आगे कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता जब एक उसकी आयु इतने वर्ष की ना हो, तो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, 30 वर्ष, और लोकसभा अगर पूछ दे तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है, और इसके एक तिहाई सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जहांगीरी महल स्थित है, जहांगीरी महल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जहांगीरी महल जो है वो आगरा किला में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा किला में। नेक्स्ट है हमारा कि अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अष्ट छाप की स्थापना जो है वो आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो बिहार से होकर नहीं गुजरती है, तो इनमें से यमुना जो है वो बिहार से होकर नहीं गुजरती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, ये शब्द है यमुना की सहायक नदी, और इसका उद्गम जो है वो बंदरपूछ पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था,
तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो अजात शत्रु के शासनकाल में, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु के शासनकाल में। देखिए पहला हुआ था राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथा कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किससे हारा था, तो हर्षवर्धन पुलकेसिन द्वितीय से, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेसिन द्वितीय। देखिए हर्ष और पुलकेसिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी और पुलकेसिन द्वितीय जो था वो हर्षवर्धन को हरा कर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को, ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व जो है वो मानी गई है। आगे कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। और इस बार जो इसका थीम था वो क्या था, ये था बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, हाँ बिल्डिंग ए केयरर हेल्दियर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका शुरुआत जो है वो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है, तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उच्च न्यायालय के कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय को कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय को कौन से अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं काफ़ी वीडियो में आप लोगों को यह बता चुका हूँ। कह रहा है विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है, विख्यात तट मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है जो कि तमिलनाडु में, और यह मंदिर जो है वो द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, तो बिहार के बोधगया में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं जो कि एक बौद्ध स्थल है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो ओलंपिक खेल जो है वो सामान्यतः 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाते हैं और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है वो 1896 में एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, यह पूछ रहा है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 ए में है, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता ये 19 बी में है, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता 19 डी में है, प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं जिक्र नहीं है बल्कि ये 19 ए में माना जाता है समाहित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो विशेष रूप से अलग से कहीं उल्लेखित नहीं है। आगे कह रहा है सिकंदर की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई, तो सिकंदर की मृत्यु जो है वो 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन। सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था, इसके पिता का नाम फिलिप था और इसके सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। नेक्स्ट कह रहा है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। वैदिक काल का विभाजन जो है वो हम लोग 2 भागों में करते हैं, एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अभी तत्कालीन अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है हमारा कि संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है चीनी। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था,
तो किस वर्ष 1950 में, आप लोग पढ़े ही होंगे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो यह कौन बनी है, यह इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपा गुरुनाथ। नेक्स्ट कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत बैटरी जो है वो आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत बैटरी के आविष्कार जो है वो बोल्टा अलेसांड्रो बोल्टा इनका नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो यह करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह से और भी याद रखिएगा, यह रोहतासगढ़ किला, किले या कुन्हा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी, और साथ ही साथ इसने भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जल विद्युत शक्ति स्टेशन उष्मीय शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते, बिल्कुल सही है। वो उष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, सही है। वो बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है जड़ता क्या है, तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्वच्छतम वनस्पति है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्वच्छतम वनस्पति है एल्गी। नेक्स्ट कह रहा है कि किसमें लोहे की कमी के कारण होता है, तो लोहे की कमी के कारण क्या होता है, अरक्तता होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन जो है वो कोलाइड नहीं है, तो कौन कोलाइड नहीं है, कोलाइड आप लोग पढ़े भी होंगे कि जिसमें परिक्षेपित कणों का जो आकार है वो 10^-5 सेंटीमीटर और 10^-7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, तो आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, तो वायु में वेग इसका अनुमानता है कितना, 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा अगर आपसे पूछे थे जल में कितना है, तो जल में कितना है, 1483 मीटर पर सेकंड है। और अगर लोहा में पूछ दे तब लोहा में है 5130 मीटर पर सेकंड, वायु का वेग पूछ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी CaOLC का होल टू, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट कह रहा है कि भारी पानी वह होता है, तो भारी पानी कौन होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है वो आइसोटोप ले लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर, यानी 10^-15 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है रेडियो धर्मीयता की खोज किसने किया था, तो रेडियो धर्मीयता की खोज जो है वो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टॉटेरिक एसिड का, यानी C4H6O6 का। नेक्स्ट कह रहा है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है, तो लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, तो वो क्या है, ब्लू व्हेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि अपरिवर्तित रहती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है, तो यहाँ पे पॉलीफेरा जो है वो जीवाणु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीफेरा। इसके आगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा INS विक्रांत है, तो INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवी शिप, तो वो क्या है, एक विमान वाहक पोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विमान वाहक पोत। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, तो ये बनाया है लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में।
लद्दाख में, याद रखिएगा, लद्दाख से भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है और भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे भी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अगस्त 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह किस राज्य ने किया है, यह किया है उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड से याद रखिएगा, भारत का पहला मॉस गार्डन, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, भारत का पहला कबक पार्क, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज, यह सब जो है वो उत्तराखंड के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। तो मालदीव शैली के वाटर विला जो हैं वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो यह किया जाएगा लक्षद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप से याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है वो 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अगस्त 2021 को जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वो थे तो वो एक कवित्री थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कवित्री। यह जो थी वो डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री रही हैं और इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है 3 अगस्त 2021 को किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया धृति बनर्जी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में और हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति की पद की शपथ जो है वो इब्राहिम रईसी के द्वारा लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान की बात करते हैं तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 अगस्त 2021 को भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने रजत पदक जीता है और ये हैं कहाँ के, ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS का नोडल मंत्रालय है। MPLAD का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। यह एक जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा जो है वो दिसंबर 1993 में किया गया था और प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन जो था वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, लेकिन फिर अक्टूबर 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा है 3 अगस्त 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है। तो यह दिल्ली सरकार ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली से याद रखिएगा, COVID-19 रोगियों के लिए पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है 2 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधान परिषद वर्तमान विधानसभा के 100वें वर्ष के समारोहन को संबोधित किया है। तो यह किया है तमिलनाडु को। अभी रिसेंटली याद रखिएगा बिहार को भी संबोधित किया है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पहले का है, मतलब 3-4 दिन पहले बिहार का किया है। ये तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK Stalin और यहाँ के गवर्नर का नाम है RN Ravi। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ट्राइका क्या है। तो ट्राइका की अगर बात करते हैं तो यह एक उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार है जो कि त्रिची असॉल्ट राइफल का एक छोटा संस्करण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हथियार है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 अगस्त 2021 को किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है मिनी आइप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और यह जो है वो बिपिन आनंद की जगह अपने पद संभाले हैं। अच्छा, वहीं अगर आपसे LIC का अध्यक्ष पूछ ले तब, LIC का अध्यक्ष पूछ ले तब आपका आंसर होगा MR कुमार। आगे कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है। तो ये हैं अवतार सिंह भसीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही कृषि कर्ण परियोजना का संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो कृषि कर्ण परियोजना का संबंध जो है वो है केरल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल से और भी योजना याद रखिएगा, जैसे वन स्कूल वन आईएस योजना और एक नमथ बसई कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू किया है, तो यह किस सरकार ने किया है, यह किया है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार की और योजनाएं हैं संजीवनी परियोजना, गोवर्धन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 से अधिक है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है किसमें है, अनुच्छेद 161 में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध कुंज बिहारी मंदिर समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है, यह मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है, तो यह मंदिर जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन कर दिया गया, इससे सम्मानित यहाँ चूंकि राजस्थान से पूछ रहा है, तो राजस्थान राज्य के खिलाड़ी कौन है यह आपसे पूछ रहा है, तो देवेंद्र झाझड़िया जो है वो राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि नीति आयोग ने राजस्थान के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी क्षेत्रों में किए गए कार्यों का सहारा है, निम्न में से कौन सा जो नीति आयोग का कार्य नहीं है यह आपसे पूछ रहा है, सतत विकास से लक्ष्यों की प्राप्ति है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, ये नीति आयोग का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को गठित एक संस्थान है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, और ये जो यह एक जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, निम्न में से राजस्थान में आदिवासी बहुल क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत कौन थे जिनका निधन जो है वो 8 अगस्त को हो गया, तो ये महंत किशोर पुरी महाराज थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक्चुअली राजस्थान का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी से ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा की सैनिक यूनिट राज्य के किस जिले में तैनात है, तो यह जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, राजस्थान राज्य हथकरघा निगम की स्थापना कब की गई है, तो इसका स्थापना जो है वो वर्ष 1984 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 में, और कब, 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस राजस्थान में। एक्चुअली अगस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगस्त से और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस, 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछा हूँ उसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।